प्रदेश भर में मिलावटखोरों के खिलाफ जारी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मंगलवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के केंद्रीय दल ने स्थानीय थाना पुलिस के प्रभारी श्री सुनील को साथ में लेकर जोधपुर में लोहा बटवाइयों की ढाणी स्थित एक मावा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान बिना फैट का दूध व तेल मिलाकर तैयार किए 50 किलो खराब मावे को नष्ट कराया गया है। निदेशक जनस्वास्थ्य डॉक्टर वी के माथुर ने बताया कि जोधपुर में लोहा बटवाइयों की ढाणी में बिना फूड लाइसेंस संचालित यह मावा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर बिना फैट के दूध व तेल मिलाकर तैयार किया जा रहा था। यहां नॉन एडिबल हाइड्रो काम में लिया जा रहा था। फर्म के मालिक का नाम संतोष ढाका है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत फर्म से नमूने लेकर मिलावटी मावे को मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया है। इसके बाद एक अन्य यूनिट पर छापा मारा गया तो वह बंद मिली। संभवतः किसी तरह टीम के बारे में जानकारी लगते ही यहां का संचालक यूनिट पर ताला लगाकर भाग गया। स्टेट नोडल ऑफिसर डॉक्टर सुनील सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल में श्री विनोद शर्मा, श्री संदीप अग्रवाल, श्री भानु प्रताप सिंह एवं जोधपुर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री रावेत सिंह शामिल थे।